दोस्तों मेरे पास है आज लेनोवो का लैपटॉप जिसका मॉडल नंबर है लेनोवो आइडिया पैड S145। इसमें मैं आज आपको SSD डाल के बताऊंगा कि इसमें अभी नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है जिससे इसकी स्पीड कम है, तो इसमें मैं आपको SSD इंस्टॉल करके बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने स्क्रू ड्राइवर से बैक साइड का इसका कवर ओपन करेंगे। ये दोस्तों इसका कवर ओपन हो गया है। आराम से इसके आप सारे नट वगैरह स्क्रू वगैरह खोल करके इसका कवर ओपन कर सकते हैं। और मैं लेके आया हूँ WD की 240 GB M.2 SSD NVMe। तो मैं इसको इसमें आपको लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ, लगा के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये SSD बिल्कुल एक रैम की तरह है छोटी सी। तो ये देखिए आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, रैम की तरह एक इसका एक स्लॉट दिया हुआ है। इसको आप प्रॉपर देख के इसको आप फिट करेंगे यहाँ पे। ये फिट होने के बाद एक यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर से एक नट लगाना है जिससे प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी। ये इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से लगाना है कि डैमेज ना हो लगाते समय। ये स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसमें दोस्तों M.2 SSD लगती है, बाकी कुछ ऐसे लैपटॉप आते हैं जिनमें नॉर्मल भी लगती है, पर इसमें ये बिल्कुल रैम के आकार की। ये दोस्तों हमने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद इसको सेट कर दिया है। अब मैं अपना लैपटॉप का कवर लगाता हूँ। ये जो भी हैं आप सारे नट लगा दें इसके बाद, और इसको आप आराम से आप इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है लैपटॉप लेनोवो का लैपटॉप है आइडिया पैड S145, और इसमें मैंने आपको SSD M.2 इंस्टॉल करके बताई है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।